सो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। अभी हॉस्टल में बैठा था और एक रैंडम सा प्लान बन गया कि जो एक भाई थे आपको परसों मिले थे, जो रेगिस्तान स्क्वायर पर मिला था, और रेगिस्तान स्क्वायर पर जब मैं बैठा था और एक भाई मिले थे परसों, आपको याद हो तो, उनके साथ कुछ उनकी लड़की फ्रेंड थी, तीन चार लड़कियाँ थी और दो लड़के थे, तो भाई मुझे बुला रहे हैं कि वो मुझे मिलना चाहते हैं। सो रेगिस्तान पर आ गया, वो भाई साहब तो आए नहीं है। आज सैटरडे है इसलिए काफ़ी भीड़ है, लोग अंदर काफ़ी जा रहे हैं। इनका टिकट सिर्फ 5,000 सोम है, जो 5,000 सोम काइंड ऑफ 40 या 35 रुपये होता है, जो कि, और जो टूरिस्ट का है वो 50,000 सोम है, जो कि 350 लगभग 10 गुना है 350-400। सो यहाँ से भी देख सकते हो, और आपको मैंने वो शॉर्टकट बताया ना, वहाँ से भी देख सकते हो। वहाँ पे एक शॉर्टकट है, और यहाँ से भी वैसे 90% दिखता ही है अंदर से, बस मदरसा है और कुछ नहीं है। साइड से भी आप गेट है, अगर गेट से कोई घुसने दे। ये बढ़िया फेंसिंग है यार, ऐसी फेंसिंग अपन ने कभी देखी नहीं है। पोर्टेबल फेंसिंग है, पोर्ट हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, पोर्टेबल है काइंड ऑफ। उस वाले पे जो है ना, उस वाले मीनार पे लोगों को चढ़ने देते हैं, पैसे लेते हैं, पता नहीं कितने पर चढ़ने देते हैं। अगर उसी दिन मैं चढ़ जाता ना तो आराम से चढ़ जाता इसके ऊपर। उसी दिन जिस दिन मैंने 50,000 सोम दे के अंदर घुसा था ना, उस दिन थोड़े से पैसे और दे देता तो चढ़ जाता, पर उस दिन मैंने इग्नोर कर दिया। अब बाद में रिग्रेट हो रहा है कि चढ़ा क्यों नहीं। सो एकदम सा रैंडम सा प्लान है ये, भाई साहब मुझे बुला रहे हैं अपने सिटी की तरफ, तो उनकी सिटी की तरफ जाएंगे। व्हाट्स योर सिटी? उर्गुट। उर्गुट। ओके, तो 5 बजे मुझे वापस भी आना है, तो थोड़ा सा फास्ट करना होगा आज काम। सो देखते हैं कैसा होता है, और प्रोबेबली आज एक खींच खींच करके मैं 4 दिन से समरकंड में हूँ, तो काफ़ी खींच लिया समरकंड में। सो फटाफट जाते हैं, फटाफट वापस आते हैं। तो ये यहाँ की कुछ बस है, अभी बस में भीड़ थी, अभी खाली हो गई है। सो खड़े थे कब से, अभी एक बस चेंज करके, दो बस चेंज करके हम लगभग इनके गांव तक पहुँच जाएंगे। तो मैं इनसे पूछ रहा था अलग अलग चीज़ें कि कैसे गाड़ियाँ हैं, क्या है यहाँ पे। सबके पास शेवल है, जो इलांट्रा है वो कॉस्टली पड़ेगी बहुत, जो अदर ब्रांड है। शेवल है कि यहाँ मैनुफेक्चरिंग है इसलिए यहाँ पर सस्ती पड़ेगी। शेवल हैड मैनुफेक्चरिंग ईयर आई गेस कंपनी है, सो शेवल है कि इसलिए सस्ती पड़ती है, क्योंकि टैक्सी वगैरह सब दबा के शेवल है। दिस इज़ गुड। ओके, तो भाई मैं 500 मीटर दूर निकला था वहाँ के लिए, रेगिस्तान के लिए, पर अब लगभग इन भाई के साथ आ गया हूँ 50 किलोमीटर दूर। काफ़ी अनप्लान था, इन्होंने बोला चलो मेरे घर चलते, सो मैं इनके गांव के साइड आ गया। ये है उर्गुट सिटी, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है समरकंड से। तो लगभग 12 बज रही, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस भी जाना है, तो फटाफट यहाँ देखूँगा और निकल लूँगा। I'm very tired. What? Tired? Yeah. Mountain. Yeah. Oh, good. It's very good. Amazing. वहाँ पे आप पहाड़ देख रहे हो, क्या मस्त लग रहे हैं। You have house in mountain? No. No. Because my close friend live in mountain. Girlfriend? Yeah. No, okay. Boyfriend. Boyfriend. We call just friend. You cannot, if you have friend in girl, you call just friend. You understand? Coming. Yeah. So लगभग 20 किलोमीटर आगे बहुत शानदार पहाड़ है, एकदम मस्त बड़े बड़े पहाड़, तो इन पहाड़ों में जाएंगे, आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ का लोकल मार्केट, हर जगह लोकल मार्केट हुआ करता है,
तो ये यहाँ का लोकल मार्केट है, खाने पीने की दवा की चीज़ें मिलती हैं, नान वगैरह, कबाब वगैरह, कोई जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो आराम से खाना मिल जाएगा, मेरे लिए दिक्कत है। अभी जब पुलाव भी मंगाऊंगा उसमें भी मीट हटा के खाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है, पर नॉन वेजिटेरियन के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी कपड़े वगैरह मिल रहे हैं बढ़िया से, प्राइस कुछ नहीं पड़ेगी इनके कपड़ों की। हालांकि मेरे पास कपड़े हैं बट यहाँ के कुछ कपड़े अच्छे हैं, मेरे पास लगभग सफिशिएंट कपड़े हैं, ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता। मैंने खाने के लिए इस बार जगह काफ़ी खाली रखी है। ये भाई हर दुकान में, हर दुकान में कोई ना कोई इनको जानता है। हेलो सलाम, ये इनकी मदर है, इन भाई साहब की। हेलो हेलो, इट्स योर शो? Yeah. Nice. His name is Laura and he and her name. Yeah, her name is Hindustan Hayardanik. Hindustan? Hindustan. Not understand. Where I live in Hindustan? India, in Jaipur. 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 It's a Sen. Registan. Sen. Registan or Sen. You understand in India? We say Registan, sand places, it's called Registan in India. Registan is a country? Yes. Registan is a country? How much is it cost? It's like 5,000 som. 5,000 som. Bishmi? No, 50,000 som. 50,000 som. Elim. Elim. Is it a country? How much cost it here? How much cost it? 85 som. 85,000. Yes. Okay, nice, good. Cheap or expensive? Little bit expensive. I don't know quality. It's, yeah. If it is good quality. What is your name? Harshit. 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 Yeah. So, ये इनकी family, इनके family के लोग थे ये. तो इनकी दुकान वगैरह है यहाँ पे, मोस्टली लेडीज़ ही दुकान करती है मैंने देखा। सो चलते हैं अब वापस, कुछ खाना वाना खा लेते हैं। काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं इसलिए लोग देख रहे हैं। Hindistan bazar is it? Yeah. Ah. Oh, photo, photo. Okay. Oh, photo. ये भाई साहब फोटो खींचा रहे हैं। Photo. Hey, खराब है ना कहीं केल। खरोच है। ना सिवा। क्यों तरह का? आयुरी ने आप इतना। हाँ। श्रृंगार का सामान है, किसी को, किसी लड़की को श्रृंगार का लेना है तो यहाँ आ सकता है। लगभग 5-10 हज़ार किलोमीटर दूर इंडिया से। तो ये ऐसा कुछ लोकल रेस्टोरेंट है, इसमें आके बैठे हैं। यहाँ पे पुलाव खाएंगे, पुलाव वगैरह खाएंगे, पुलाव में मैं तो मीट हटा के खा लूँगा और ये मीट वाला पार्ट ये खा लेंगे। तो देखता हूँ ऐसा कुछ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ का, फेमस लग रहा है उर्गुत सिटी का। ऐसा कुछ खाना है, सलाद है और पुलाव है और ये नान है। इस पुलाव में जो मीट वगैरह है जो साइड में हटा के खा लूँगा, मैं चावल वगैरह खा लूँगा और सलाद है। तो यहाँ का समरकंद का जो पुलाव होता है वो बेटर है, समरकंद पुलाव इज बेस्ट ना। जो बुखारा में खाया था मैंने वो तो नॉर्मल था, और समरकंद का जो मैंने आमिर भाई के यहाँ खाया था हॉस्टल में वो बेस्ट था। तो ऐसा ही होगा, लगता है ऐसा ही ना। नान तो खा कर पक गया हूँ और सलाद अच्छा है, सलाद तो खाता हूँ हमेशा मैं। ये पानी, पानी से कटोरी में देते हैं, मैंने कहा बोतल में पी लेता हूँ, नहीं नहीं कटोरी में पियो। यहाँ पे काफ़ी आवाज़ आ रही होगी इसलिए आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी। तो चलते हैं आज बढ़िया खाना, देखते सारे चावल कैसे खाएंगे वो सोच रहा हूँ मैं।
तो खाना भी ना हो गया है अब लग रहा है पेट फूल यार, काफी दिनों बाद अच्छा खाना खाया, चावल और सलाद दबा के मजा आ गया। तो अभी जो माउंटेन का प्लान है वो तो कैंसिल हुआ है, अब जा रहे हैं हम समरकंद में, तो वो भी समरकंद में थोड़ा सा देखेंगे और 5 बजे मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। तो ऐसी कुछ गाड़ी है पूरी भरी पूरी, बच्चा है। तो फाइनली अब सिटी तक आ गए, सिटी तक आ गए हैं। सो अब यहाँ से बस पकड़ के लगभग बस 40 किलोमीटर दूर थी, बस पकड़ के समरकंद जाएंगे, समरकंद का जो मेन रेगिस्तान वगैरह वो देखेंगे, और लगभग 3-2 दिन बच गए हैं, उसके बाद फ्री हैं। ऐसा कुछ दिखता है बस का टिकट शायद 1400 में, 7-8 रुपये। Dress. There's a Christian wear dress like this. In Muslim also? No, this don't cause it shed again. I dislike this dress because all this. Because it is big. That's why. Yeah. तो यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रेस होते हैं, मुझे आज तक लगता था कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वही ऐसे ड्रेस पहनती है, पर पता पड़ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी ऐसे बड़े बड़े ड्रेस पहनते हैं काइंड ऑफ। सो अभी रेगिस्तान आए काइंड ऑफ, मैं तो रेगिस्तान में जा चुका हूँ पर ये भाई साहब वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है चलते हैं। It's not 5,000 for me, it's 50,000 for tourist. I don't know, but... His friend. Yes. Okay. His best friend. So he can ask to go there too. ज़्यादा दिमाग लगा देते हो भाई। मैं सोच, इन्होंने मुझे बोला कि इनका दोस्त है कोई जो टिकट ऑफिस में, पर ऐसा कोई दोस्त नहीं था, इन्होंने सिंपली 3 टिकट लिए और मुझे इशारा कर दिया आने का और कुछ बोलना मत नहीं बोला। तभी मैं समझ गया कि यार ये तो पासपोर्ट दिलवाएंगे मेरा अभी। सो पकड़ लिया लास्ट में, जा गई पुलिस ने, वो बोला कि क्या कर रहे हो अंदर क्यों जा रहे हो, 50,000 सोम दो, आपका टिकट नहीं है ये वाला टूरिस्ट टिकट है। वैसे काफ़ी ज़्यादा फीस है 50,000 सोम इसके लिए मेरे हिसाब से। मैं एक बार जाके आया, अगर मैं जाता नहीं तो मैं अंदर इनको 50,000 सोम दे देता, पर कोई नहीं, बढ़िया थे, बढ़िया लोग थे। प्रोबेबली अब वापस उज़्बेकिस्तान आऊँगा तब मिलूँगा इनसे। सो चलते हैं अब हॉस्टल की तरफ ही। फनी साथ हो गया था एक्सपीरियंस वहाँ पे, हम खड़े हैं पुलिस वालों के साथ, इलीगल एंट्री वाले। मैंने सोचा आज तो गया मेरा पासपोर्ट ले लेंगे मेरा, अरे पासपोर्ट वगैरह लिया नहीं उन्होंने, ही उसी बोला कि आप बाहर जाके 50,000 का टिकट ले लो, का 350 का टिकट कौन ले अंदर आने के लिए। तो चलता हूँ, लगभग 3-4 बज रही हैं, पीछे से भी आप रेगिस्तान देख सकते हो।